नमस्ते दोस्तों, मैं लवीना शर्मा और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मौसम और खेती में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि इस पूरे हफ्ते मौसम कैसा रहेगा, साथ ही खेती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में। आज चर्चा में हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अमृत तिवारी। अमृत, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देश के किन किन क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। लवीना, अगर हम बात करें भारत में जो पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ पे मेघालय, असम और जो अरुणाचल प्रदेश में जो है वहाँ पे बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु, केरल और जो है पौंडीचेरी में भी बारिश हो सकती है। बाकी द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है भारी बारिश हो सकती है आने वाले 3-4 दिनों में। उसके अलावा जो है पूरे भारत में जो है मौसम जो है वो साफ़ रहेगा और ठीक रहेगा। हालांकि सुबह और शाम के टाइम जो है उत्तर भारत में जो है थोड़ी सी धुंध छाई रहेगी, लेकिन बाकी समय मौसम जो है पूरी तरह से बेहतर रहेगा। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के पूर्वोत्तर और दक्षिणी इलाकों में बारिश होने के आसार हैं और देश के बाकी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। अमृत, हमने अभी बात की कि देश के किन किन क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इस हफ्ते खेती में किसान किन किन बातों का ध्यान रखें, और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत की। जी लवीना, अगर उत्तर भारत में सबसे पहले बात हम जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में जो है सरसों और तोरियों की बुआई जो है पूरी कर लें किसान, ये उनके लिए सुझाव है। बाकी जो है मध्यवर्ती क्षेत्रों में गेहूँ, जौ और दालों जैसी मसूर, मटर, चना और इसकी बुआई जो किसान जारी रख सकते हैं। बाकी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रबी प्याज की नर्सरी जो है उसके किसान जो है तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में उसकी जो है पैदावार अच्छी हो सके। गेहूं, जौ, तिलहन फसल, रबी दालों की बुआई जारी रखी जा सकती है। जी, तो जम्मू कश्मीर के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते रबी दालों की बुआई जारी रखें, साथ ही आलू और प्याज का रोपण करने के लिए हफ्ता सही रहेगा। इसके अलावा कोई और सुझाव आप देना चाहेंगे? इसके अलावा उनके लिए और सुझाव है कि आलू और लहसुन की जो है वो बुआई जो है किसान भाई हमारे कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी समय जो है उनके लिए काफी उपयुक्त है, मौसम अच्छा है। इसके अलावा पालक और मेथी की बुआई और लहसुन के रोपण का कार्य भी किसान यहाँ पे पूरा कर ले तो काफी बेहतर होगा। जम्मू कश्मीर के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते रबी दालों की बुआई का कार्य कर सकते हैं, साथ ही गेहूँ की बुआई का कार्य पूरा कर ले। चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। जी, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मौसम काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, तो अगर बात करें यहाँ पे तो गेहूं की बुआई और आलू की रोपाई का काम जो है यहाँ पे जारी रख सकते हैं हमारे किसान मित्र। बाकी मटर और प्याज की बुआई भी यहाँ पे जारी रख सकते हैं। इसके अलावा जो है मूली, शलजम, गाजर और मेथी की बुआई भी किसान यहाँ पे कर सकते हैं अभी जो मौसम है इसके हिसाब से। गोभी और फूल गोभी और ब्रोकली की रोपाई की भी यहाँ पे तैयारी किसान शुरू कर दें, अभी मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। बाकी हिमाचल प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय इलाका है वहाँ पे पर्याप्त ऊष्मा हो और वहाँ पे मूली, शलजम, पालक और मटर की बुआई कर सकते हैं किसान, क्योंकि वहाँ पे अभी भी मौसम थोड़ा सा गर्म जो है दोपहर के टाइम बन रहा है, तो इस हिसाब से ये सबसे अच्छा है। और जो उच्च शुष्क पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वहाँ पे सेब की कटाई, चीनी बंद गोभी और धनिया की बुआई का काम जो है किसान मित्र यहाँ के कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान इस हफ्ते सब्जियों की बुआई का कार्य कर सकते हैं, साथ ही जिन खेतों में सेब की फसल लगी हुई है वहाँ पे उसकी कटाई का कार्य शुरू कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। जी, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के भी पहाड़ी इलाकों में गेहूं की बुआई और आलू के बुआई के लिए जो है ज़मीन तैयार की जा सक जो बनाने के लिए जो खेत हैं वो तैयार कर सकते हैं किसान लोग। इसके अलावा प्याज की रोपाई का काम भी यहाँ पे किसान पूरा कर लें, क्योंकि ये समय काफ़ी अब वो आखिरी में चल रहा है। लहसुन और सरसों, पालक, मेथी, मूली और तोरी और मटर की बुआई का काम किसान यहाँ पूरा कर ले, अभी मौसम यहाँ अच्छा है क्योंकि आने वाले दिन में भी ठंड और बढ़ने वाली है। चावल और सोयाबीन की कटाई के बाद गेहूं की बुआई के लिए भूमि तैयार करने के लिए जो प्री प्रक्रिया चल रही है, जिन इलाकों में लोग नहीं बो पाए हैं अपने खेतों की बुआई नहीं कर पाए हैं वहाँ पर वो अपनी बुआई गेहूँ की कर सकते हैं। और उसके अलावा तराई क्षेत्रों में मटर, धनिया, पालक और मूली की बुआई और गन्ने के रोपण का कार्य भी किसान मित्र कर सकते हैं। बाकी जो है कम आर्द्रता वाले जो क्षेत्रों में जो है सरसों, चना, मटर की बुआई का काम किसान मित्र यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन, टमाटर की जो नर्सरी जो है वो किसान जो है अभी का जो वक्त है काफ़ी अच्छा है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा शुष्क मौसम को देखते हुए सरसों, चना और मटर में हल्की सिंचाई का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा गर्म है इसलिए पौधों में पानी की ज़रूरत होती है तो वो पानी देने का काम जो है वहाँ पे कर सकते हैं। उत्तराखंड के किसानों को ये सलाह कि वो इस हफ्ते सब्जियों की बुआई का कार्य पूरा कर लें, साथ ही गेहूँ की बुआई का कार्य इस हफ्ते शुरू कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पंजाब की। जी, पंजाब की बात करें तो पंजाब जो कि पूरी तरह से मैदानी इलाका है तो यहाँ पे फूल गोभी और मूली की देसी किस्मों की नर्सरी की बुआई जो है यहाँ पे किसान जारी रख सकते हैं। आम और लीची का रोपण जो है यहाँ पे बागवानी भी काफ़ी बड़ी मात्रा में की जाती है तो यहाँ पे भी इसकी जो है बुआई जो है जारी रख सकते हैं। बाकी धान, कपास और मक्के की सिंचाई का काम यहाँ पे किसान मित्र जारी रख सकते हैं। इसके अलावा जो है गाजर, शलजम और मूली की देसी किस्मों की बुआई किसान जो है जारी रख सकते हैं। इसके अलावा जो है टमाटर की रोपाई का काम भी जो है किसान कर सकते हैं। बाकी जो है आलू का रोपण और फूल गोभी की जो है नर्सरी की बुआई जो है वो किसान कर सकते हैं।
और अगर बात करें बाकी चीज़ों की तो मटर और पत्तेदार सब्जियों की बुआई का काम भी किसान कर सकते हैं। बाकी जो है लुधियाना में खास करके यहाँ पे मक्के और मूंगफली की कटाई का काम जो है किसान कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे गन्ने की तो गन्ने की बुआई जो है पंजाब के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर अभी समय अनुकूल है, किसान मित्र यहाँ पर गन्ने की बुआई कर सकते हैं। तो पंजाब के किसान इस हफ्ते मक्के और मूंगफली की कटाई कर सकते हैं, साथ ही गन्ने की रोपाई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में सरसों और चने की बुआई का काम किया जा सकता है। इसके अलावा कपास की तुड़ाई का काम भी जारी रख सकते हैं लोग। बाकी धान की कटाई का भी काम जिसके यहाँ नहीं हो पाया है वो तुरंत उसकी कटाई कर लें। तो कुल मिला के देखा जाए जिन खेतों में धान की खेती हो रही है वहाँ पे जल्द से जल्द कटाई का कार्य पूरा कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के आसपास के जो यहाँ पे खेत खलिहान है, यहाँ पे जो किसानी की जाती है, वहाँ पे प्याज की पौध जो है वो किसान तैयार कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो है गन्ने और आलू की रोपाई भी यहाँ पे की जा सकती है। सरसों, मटर और तोरियों की जल्द से होने वाली किस्मों की बुआई के लिए किसान जितना जल्दी हो सके अपनी ज़मीन तैयार कर लें। और मूली, पालक, रबी प्याज, गाजर और धनिया की बुआई के लिए भूमि किसान तैयार कर सकते हैं। जी, तो दिल्ली के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते सब्जियों की बुआई के लिए भूमि तैयार कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करें लवीना तो यहाँ पे धान की कटाई जो किसान पूरी नहीं कर पाए वो तुरंत इसकी कटाई कर लें। बाकी जो है चना, मटर और मक्के की बुआई का काम भी यहाँ पे किसान पूरी कर लें क्योंकि अब मौसम थोड़ा बीत रहा है। इसके अलावा आलू की रोपाई का काम भी जो है अब ये आखिरी फेज़ की तरफ है तो यहाँ भी किसान अपने आलू की रोपाई कर सकते हैं। बाकी टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन और मिर्च की रोपाई का काम जितना जल्दी हो सके किसान मित्र इन इलाकों में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पालक, मेथी, मूली, गाजर और लहसुन की बुआई का काम किसान जारी रख सकते हैं। मौसम काफ़ी अनुकूल है इसकी खेती के लिए। इसके अगर बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र में तो यहाँ पे गेहूँ, चना, मटर और मसूर, राजमा की बुआई भी यहाँ के किसान भी कर सकते हैं। जी, तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते जिन खेतों में धान की कटाई अभी तक नहीं हुई है तो वो जल्द से जल्द उसकी कटाई का कार्य पूरा कर लें, साथ ही सब्जियों की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की और सबसे पहले बात करेंगे असम की। जी, पूर्वोत्तर भारत में अगर असम की बात करें तो ये इलाका अभी जो है इन इलाकों में काफ़ी जो है बारिश भी होने वाली है आने वाले दिनों में, मतलब संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर उसके मद्देनज़र कहें तो निचले और ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में सरसों, मक्का, गेहूँ की बुआई फिलहाल जितने जल्दी हो सके किसान यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की बुआई और आलू की रोपाई भी यहाँ पर किसान जारी रख सकते हैं। बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों के सब्जियों की नर्सरी भी यहाँ पे किसान जो ऊपरी इलाका है वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। मसूर की बुआई के भी काम जो है जो यहाँ पे जारी रखी जा सकती है। सरसों की बुआई जो है किसान अगर यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके कर ले उतना अच्छा है ताकि अब आने वाले टाइम में जो फसल यहाँ पे उनकी जो है बेहतर तैयार हो सके। तो असम के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते सर्दियों की सब्जियों के लिए नर्सरी तैयार कर लें, साथ ही मसूर की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। अगर पूर्वोत्तर में मेघालय की बात करें तो वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? मेघालय की बात करें लवीना तो यहाँ पे खरीफ धान की कटाई का काम जो है किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है। इन इलाकों में जो कि देर से धान की बुआई की गई है उनके धान की फसल काट सकते हैं लोग। बाकी मूंगफली की कटाई का काम भी यहाँ पे जारी रखा जा सकता है। और इसके अलावा सरसों, मक्के की बुआई का जो काम अधूरा है वो यहाँ पे किसान मित्र जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। तो मेघालय के किसानों को ये सलाह कि वो इस हफ्ते मूंगफली और धान की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। चलिए अमृत, अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे सर्दियों की सब्जियों की नर्सरी जो है वो तैयार की जा सकती है। इसके अलावा तोरी और मटर की बुआई नागालैंड के जो किसान मित्र वो कर सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं वहीं मणिपुर की बात कर लेते हैं तो मणिपुर में सरसों की बुआई और आलू के रोपण का कार्य जो है वहाँ पे जारी रखा जा सकता है। प्याज की रोपाई भी यहाँ पे किसान जितना जल्दी कर ले उनके लिए अच्छा होगा। मिजोरम की भी बात कर लेते हैं, मिजोरम में मटर और सरसों और तोरियों की बुआई की है यहाँ पे किसान मित्र जारी रख सकते हैं। यहाँ पे मौसम काफ़ी इस चीज़ के लिए अच्छा है। टमाटर की नर्सरी की भी जो है वो बुआई जो है किसान यहाँ पे कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं लगे हाथ त्रिपुरा की भी, तो त्रिपुरा में तोरी, तिल, मसूर की बुआई का काम किया जा सकता है। तो पूर्वोत्तर के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते सब्जियों की बुआई के साथ साथ धान और मूंगफली की कटाई का कार्य भी कर सकते हैं। चलिए अमृत, अब बात कर लेते हैं देश के पूर्वी भारत के किसानों को इस हफ्ते किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी लवीना, अगर पूर्वी भारत में हम सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में गेहूं, सरसों की बुआई और इसकी जो है जमीन तैयार करने का काम जो है वो किसान मित्र कर सकते हैं। इसके अलावा अमन धान की कटाई का काम जो है यहाँ पे किसान लगातार कर सकते हैं। आलू के रोपाई का भी काम यहाँ पे किसान मित्र कर सकते हैं। और बाकी रबी फसलों की बुआई के लिए जो है जो अन्य फसलें हैं रबी फसलों की उसके लिए अपनी जो है खेत तैयार कर सकते हैं।
और इसके अलावा मसूर की जो बुआई का काम जितना जल्दी हो सके किसान मित्र यहाँ पे पश्चिम बंगाल के करना चाहते हैं वो कर ले। तो पश्चिम बंगाल के किसान इस हफ्ते अमन धान की कटाई का कार्य कर सकते हैं, साथ ही जिन खेतों में रबी फसलों की बुआई के लिए भूमि तैयार हो रही है इस हफ्ते भी उस कार्य को जारी रखा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। जी, बिहार की बात करें लवीना, तो यहाँ पे चने और चारे की बुआई जारी रखी जा सकती है। इसके अलावा आलू के रुपाई का भी काम जो है किसान मित्र कर सकते हैं, और मक्का, लहसुन, गाजर की बुआई का भी जो है काम अगर अधूरा है किसान मित्रों के पास तो वो लोग किसान मित्र पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की बुआई के भी काम जो है यहाँ पे जारी रखा जा सकता है। बाकी सब्जियों की जो रुपाई है वो जितना जल्दी हो सके हमारे किसान मित्र कर लें तो बेहतर होगा। और धान की कटाई का काम जो है अगर जिनके छूट चुके हैं धान, अगर उन्होंने लेट धान की बुआई किए तो अपने धान की जल्दी से जल्दी कटाई करके खेत खाली कर लें। बिहार के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते धान की कटाई का कार्य पूरा कर लें, साथ ही रबी फसलों की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में चावल की कटाई का काम यहाँ पे जारी रखा जा सकता है। इसके अलावा रबी फसलों की बुआई, भूमि तैयार करने का काम भी किसान मित्र जो है वो जारी रख सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी, टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई का काम भी हमारे किसान मित्र लगातार जारी रख सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की बुआई का काम भी किसान लोग जो है कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की बुआई का कार्य कर सकते हैं, साथ ही सब्जियों की रोपाई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे चना, मसूर और अलसी की बुआई का काम जो है जारी रखा जा सकता है। सरसों और गेहूं की बुआई का काम भी जारी रखा जा सकता है। इसके अलावा आलू की बुआई और हरी मटर की बुआई का काम किसान मित्र जारी रख सकते हैं। बाकी धान की कटाई, यहाँ भी अगर जो किसान धान की बुआई लेट किए हैं तो उसकी कटाई जितने जल्दी कर लें वो उनके लिए अच्छा है। जी, तो झारखंड के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते धान की कटाई का कार्य पूरा कर लें, साथ ही चना, मसूर और अलसी की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा की। जी, अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे गेहूँ, सरसों और मूंगफली की बुआई के लिए किसान मित्र अपना जो है खेत तैयार कर लें। मूंग, उड़द और मटर की बुआई का भी काम जितना जल्दी पूरा कर सके तो बेहतर होगा। बाकी धान की कटाई का काम यहाँ भी जारी रखा जा सकता है। अगर बात करें बाकी सब्जियों की तो गाजर, मूली की बुआई और फूल गोभी, बंद गोभी, प्याज की रोपाई का काम भी यहाँ किसान मित्र जो है वो जारी रख सकते हैं। तो उड़ीसा के किसानों को भी ये सलाह है कि यहाँ पे धान की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं, साथ ही सब्जियों की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में रबी की फसल जो है उसके अलावा मूंगफली की बुआई का काम किसान कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं लगे हाथ तेलंगाना की तो तेलंगाना भी मक्का, मूंगफली और सूरजमुखी की बुआई का काम किसान लोग कर सकते हैं। अगर उसके अलावा और भी जो तीसरा महत्वपूर्ण राज्य है वहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में धान की रोपाई का काम जो है यहाँ भी किसान मित्र जारी रख सकते हैं। ये मौसम काफ़ी अच्छा है वहाँ के इलाके के लिए। इसके अलावा चने की दाल की बुआई का काम भी तमिलनाडु के लोग जो है वो कर सकते हैं। बात कर लें कर्नाटक की भी तो कर्नाटक में जो है गेहूँ की बुआई का काम यहाँ पर जारी रखा जा सकता है, और सूरजमुखी की बुआई का काम भी अगर हमारे किसान मित्र कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा उनके लिए। इसके अलावा पूर्वी शुष्क इलाकों में मूंगफली की कटाई का काम भी किया जा सकता है। बाकी अगर बात करें और शुष्क मौसम को देखते हुए तो धान की कटाई और कपास की तुड़ाई का काम जो है यहाँ पे किसान अगर कर लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। बात करते हैं पश्चिमी भारत की। जी, अगर पश्चिम भारत में लवीना बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के कोंकण में सब्जियों की फसलों और आम में सिंचाई का काम जो है किसान मित्र यहाँ कर सकते हैं, और जहाँ जिनकी फसलें थोड़ी कमज़ोर है उसमें ये समय काफ़ी उपयुक्त है कि उसमें उर्वरक का इस्तेमाल किसान लोग कर लें। इसके अलावा गेहूं की सिंचाई और चने की बुआई का काम भी महाराष्ट्र में किसान कर सकते हैं। बाकी जिन महाराष्ट्र के इलाकों में केले की जो है खेती किसान मित्र करते हैं वो केले की खेती का काम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा पश्चिम भारत मध्य में अगर हम बात करें मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में गेहूँ की बुआई का काम जो है यहाँ पर किसान मित्र जारी रख सकते हैं, और शुष्क मौसम को देखते हुए सरसों की फसलों में सिंचाई का भी काम यहाँ पे किसान जितना जल्दी कर लें उनके फसलों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और प्याज की रुपाई का भी काम यहाँ पे किसान मित्र कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए सब्जियों की बात करें यहाँ पे तो टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज की नर्सरी की बुआई का काम किसान जितना जल्दी करे तो बेहतर होगा, और आलू और अदरक का यहाँ पे रुपाई किसान कर सकते हैं। जी, तो मध्य प्रदेश के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की बुआई का कार्य कर सकते हैं, साथ ही सब्जियों की नर्सरी बुआई का कार्य करने के लिए हफ्ता सही रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर ले थोड़े, अब फिर चलते हैं थोड़ा पश्चिम की तरफ, पश्चिम भारत में गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में चने की बुआई और आलू के रोपाई का काम जो है यहाँ पे जितना जल्दी किसान पूरा कर ले वो काफ़ी अच्छा है। उत्तरी क्षेत्र में गेहूं और जीरे की बुआई का काम यहाँ पे शुरू किया जा सकता है, ये मौसम किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर बात कर लेते हैं राजस्थान की तो राजस्थान में गेहूं, चना और रबी मक्का की बुआई का काम किसान यहाँ पे कर सकते हैं,
और शुष्क मैदानी जो है पश्चिमी मैदानी इलाका जो है वहाँ पे जीरा और मेथी की बुआई का काम जो है यहाँ पे हमारे किसान मित्र कर सकते हैं। तो पश्चिमी भारत के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते सब्जियों की बुआई का कार्य कर सकते हैं, साथ ही गेहूं की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तमाम जानकारी हमारे किसानों को दी। जी धन्यवाद। चलिए अब बात कर लेते हैं कि देश के बड़े शहरों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर की। श्रीनगर में इस हफ्ते आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। हफ्ते के बीच में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। यहाँ का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जम्मू की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने की भी संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। शिमला की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। चंडीगढ़ में भी इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। देहरादून की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यहाँ मौसम साफ रहने की उम्मीद है और हफ्ते के आखिरी दिन आसमान एक बार फिर से साफ रहने की संभावना है। यहाँ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लखनऊ में इस पूरे हफ्ते धुंध छाई रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इलाहाबाद में भी इस पूरे हफ्ते धुंध छाए रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पटना में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गैंगटॉक की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। ईटानगर की बात करें तो यहाँ इस हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कोहिमा में इस हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। शिलांग में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और यहाँ का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कोलकाता में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। रांची की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। रायपुर की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हैदराबाद में इस पूरे हफ्ते धुंध छा सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। चेन्नई में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और हफ्ते की शुरुआत में हल्की बारिश भी हो सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पुडुचेरी में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही हफ्ते की शुरुआत में हल्की बारिश भी हो सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम में इस पूरे हफ्ते बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कोची में इस पूरे हफ्ते हल्की बारिश हो सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बंगलुरु में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं हैं।
पणजी में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और हफ्ते की शुरुआत में बारिश भी हो सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुंबई में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावना है। यहाँ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पुणे में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। भोपाल की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इंदौर में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वडोदरा में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं हैं। जयपुर की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं हैं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात मौसम के नए ताज़ा हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।